YouTube चैनल BL बिहारी ऑफिशियल मस्ती में आपका स्वागत है। तो बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बारे में हम आज आपको कुछ बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं फुटेज के माध्यम से। तो बने रहे वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शाम 5 बजे बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की हादसा बहुत ही दुखद खबर है, जो कि हर साल ट्रेन हादसा होते आ रहा है। आखिर किस कारण से ट्रेन हादसा होता है, क्या ट्रैक में कमी रह जाती है और क्यों यह हादसा हर साल होते आ रहा है, तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए और बताइए। जहां 12 बोगी ट्रैक से बेपटरी हो गया है, पटरी से बेपटरी हो गया है और एकाएक सभी बोगियां जो है वह पलटी मारी है। तो आप देख सकते हैं फुटेज में किस तरह से यह हादसा हुआ है और कितना भयंकर यह हादसा हुआ होगा, जो कि शाम 5 बजे यह हादसा हुआ है। और सभी हादसे की खबर सुनकर जो रेलवे के कर्मचारी है, अधिकारी है, जो रेलवे मंत्री है, वह सब तुरंत टीम भेजे हुए हैं स्थान पे। और स्थान पर टीम भेजने के बाद इन सभी का निरीक्षण किया गया है और जो घायल व्यक्ति है उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया है और सभी अपने अपने परिजनों को फ़ोन कॉल से मैसेज दिया गया है कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। तो यह हादसा हर बार होते आ रहा है और किसी न किसी बार यह भी सुनने में आता है, कभी काल ट्रेन हादसा हो जाता है, सड़क हादसा हो जाता है, प्लेन हादसा हो जाता है, हेलीकॉप्टर हादसा हो जाता है। तो आखिर कब इस तरह की दुर्घटना से छुटकारा मिलेंगे और कब यात्री अपने स्थान तक सुरक्षित पहुंचेंगे, इसका जिम्मेवार कौन है जो हादसा होते आ रहा है, हर बार ट्रेन हादसा होते आ रहा है, जो कि इस साल में 2 से 3 ट्रेन हादसा हो जाते हैं। तो बताइए आप कमेंट में यह वीडियो और यह जानकारी आपको कैसा लगा, और नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से और फुटेज के माध्यम से हम दिखाते हैं जो घायल व्यक्ति है उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया है। और तो यह निर्मली रेलवे स्टेशन है जहां अभी इस वक्त ट्रेन चलने में संभावना है, जो कि निर्मली से तमर तक सियारा से नहीं किया गया है। सियारा तो इसी महीना में हो जाना चाहिए लेकिन नहीं किया गया है। तो यह इसी तरह की जानकारी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें।